हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड अवध सीरीज के सेक्शन ए के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चंस 1 to 16 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 17। 17वें प्रश्न से हम शुरू करते हैं। 17वां आपका प्रश्न क्या है, संवेग से क्या आशय है, मतलब आप इमोशन से क्या समझते हैं। तो इमोशन, यहाँ पे संवेग का अर्थ, पहले हम इमोशंस का अर्थ जान जाते हैं। इसको आपको समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी बहुत खुशी में कोई वादा और इमोशंस में कोई फैसले नहीं लिए जाते। जब आप बहुत खुश हो तो कोई प्रॉमिस मत करिए, और जब आप इमोशंस में हो, जब आप इमोशनली हर्ट हो या बहुत किसी से इमोशनली अटैच्ड हो, तो उसमें आप कोई डिसीज़न मत लीजिए। मतलब खुशी में प्रॉमिस और इमोशंस में डिसीजन अक्सर नुकसानदेह होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, संवेग इमोशंस में डिसीजन क्यों नुकसानदेह होते हैं? तो क्योंकि संवेग, मुख्य रूप से संवेग शब्द का अर्थ होता है वेग से युक्त, मतलब वेगवान होकर कार्य करना। अब इसी को वुडवर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति के गति अथवा आवेश में आने की स्थिति है। तो इमोशन का मतलब क्या हुआ, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति। ठीक है दोस्तों, पीटी यंग ने कहा कि संवेग व्यक्ति के कुल तीव्र उपद्रव जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है, तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव का अतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। अतरंग क्रियाएं मतलब जो थोड़ी सी रंगहीन हो, अलग तरीके की क्रियाएं होती हैं, इसी को इमोशंस कहते हैं। इमोशन का मतलब कि गति अथवा आवेश में आने की स्थिति। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करिए, मतलब पर्सनैलिटी क्या होती है आपको उसके बारे में बताना है। आप अक्सर किसी इंसान से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये बड़ा बुरा इंसान है। मतलब आपको उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप थोड़ी सी अंदाज़ा लगाते हैं। तो वास्तव में व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। आप किसी व्यक्ति, आपके साथ कैसा व्यवहार है, कैसे उसका रहन सहन है, बात करने का तौर तरीका, उसका संपूर्ण व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ये कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। तो मतलब व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार ही क्या होता है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व होता है। और डैशियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है। बात वही की जा रही है, शब्द का यहाँ पे हेर फेर है कि व्यक्तित्व क्या है भैया, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखलाई दे दे। आपसे कोई बात कर रहा है तो उसके व्यवहार आपको पता चलते हैं, उसका व्यक्तित्व आपको पता चल जाएगा। बिग तथा हंट के अनुसार किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग ही व्यक्तित्व है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये परिभाषा व्यक्तित्व की हो गई। चलेंगे दोस्तों 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को परिभाषित करिए। देखिए यहाँ प्रश्न लिखा है केवल परिभाषित करिए, लेकिन यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो परिभाषा की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा यही हुई। यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे तो शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा होगी, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें मनोवैज्ञानिक ज्ञान को आपका इस्तेमाल करना, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अध्ययन, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा होगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। निसंदेह ही शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का इस्तेमाल ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। और लास्ट में आपको एक परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है भैया, शैक्षिक परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। बेहतरीन मैं आपको अगर डेफिनेशन दे दूँ कॉल्सनिक के अनुसार, तो उन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उपलब्धियों का शिक्षा में प्रयोग क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। आप ऐसे साधारण जो आसानी से याद होने वाले डेफिनेशन है, परिभाषा है, आप उसको याद करिए ताकि एग्जाम्स में इजीली लिखा जा सके। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और उपलब्धियों का शिक्षा में प्रयोग शैक्षिक मनोविज्ञान है। प्रश्न संख्या 20, बहुत ही आसान प्रश्न, अधिगम से क्या तात्पर्य है, मतलब सीखने से क्या तात्पर्य है। कोई चीज़ मान लीजिए आप कार्य करते हैं, आपको नहीं आता, आप उसको सीखेंगे तो आप उसको और अच्छे तरीके से करेंगे। आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही वास्तव में अधिगम कहलाता है।
तो अधिगम क्या है? अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव अभ्यास परीक्षण के अंतर्गत उसके अंदर परिवर्तन इंगित होता है। उसके अनुभव में, उसके अभ्यास में, परीक्षण में क्या होता है? परिवर्तन आता है। अब प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है, जन्म से मृत्यु के उपरांत तक इंसान सीखता रहता है। जन्म से नहीं, भारतीय संस्कृति में ये भी माना जाता है कि इंसान जन्म से पहले ही चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। तो जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके जीवन में विकास होता है। बालक प्रत्येक समय और पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और क्रो एंड क्रो ने बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया था, आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। अर्जन का मतलब यहाँ होता है कि ग्रहण कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ऑब्जॉर्व कर लेना। आदत, ज्ञान और तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड का अर्जन ही क्या है भैया? आपका सीखना कहलाता है, आपका लर्निंग कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। कुसमायोजित, प्रश्न संख्या 21 बहुत ही अच्छा है। कुसमायोजित, कुसमाज, यहाँ पे देखेंगे समायोजित, दो शब्दों से बना है। कुसमायोजित, समायोजित मतलब समाज की योजित, समाज की किससे मिलने के लायक। तो इसको आप ऐसे समझिए, एक होता है कर्म करना, एक होता है कुकर्म करना, मतलब जो कर्म के विपरीत हो। तो ठीक वैसे ही कहा गया, जब बालक व्यक्तित्व को अपने सामाजिक और विद्यालय वातावरण के अंतःक्रिया करने में असफल हो जाता है, वो बालक समाज से अपनी समायोजित नहीं कर पाता, जिसके उसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होता है, मतलब थोड़ा सा अलग रहता है वो समाज से, जिसके परिणाम स्वरूप बालक समाज में संतुलित नहीं रख पाता और समाज में अपना समायोजित नहीं कर पाता। ऐसी दशा में जिन बालकों का समायोजन नहीं हो पाता उसे कुसमायोजित बालक कहते हैं। जो समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को समाज के हिसाब से नहीं ढाल पाते हैं, उनका थोड़ा सा विकार रहता है समाज से, वो अलग तरीके से रहते हैं, ऐसे बच्चे बालकों को कुसमायोजित कहते हैं। गेट्स के अनुसार कुसमायोजित बालक वह है जिसकी आवश्यकताएँ एवं प्राप्तियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित नहीं हो पाती हैं। तो वो कौन होते हैं? कुसामाजिक, मतलब जो इंसान, जो बालक अपने आप को समाज से नहीं जोड़ पाते। अगला प्रश्न देखेंगे, तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पिछड़े बालक का क्या अर्थ है? ठीक है, पिछड़े बालक, यहाँ पे कोई जाति या धर्म से बात नहीं है। पिछड़े बालक मुख्यतः क्या होता है? कक्षा का औसत कार्य, मतलब कुछ जैसे जो इजिली कार्य हो, जो एवरेज वर्क हो, अगर वो बच्चा नहीं कर पाता है तो उसे, उस छात्र को, छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। जैसे कि जो बालक कक्षा के औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, ये क्यों कही जा रही है? आप ये नहीं कह सकते कि कोई लड़का किसी क्लास में वो थोड़ा सा पीछे रह गया तो उसकी दिमाग ख़राब है या उसकी बुद्धि कमज़ोर है, हो सकता है वो अगली क्लास में अपने आप को रिकवर कर ले। मंद बुद्धि होना और पिछड़ा बालक, मतलब उस स्थिति में उस औसत कार्य को वो नहीं कर पा रहा है इसलिए वो पिछड़ा बालक है। हो सकता है वही पिछड़ा बालक आगे चल के वो बड़ा कार्य करे क्योंकि वो मंद बुद्धि नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी माइंड कमज़ोर है या दिमाग खराब है। पिछड़ा बालक मतलब समाज के, हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सामाजिक या फिर पारिवारिक जिसकी वजह से उसका संतुलन ठीक से नहीं रह पाता, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता और वो औसत कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उस समय उस बालक की स्थिति पिछड़े बालक में कही जाएगी। ठीक है, सोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करता है। अपने उसी आयु वर्ग के छात्रों में उसकी स्थिति थोड़ी सी निम्नवत होती है। अब सीखने की परिभाषा दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 है, ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं कर रखेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सीखने की परिभाषा बताइए भाई, सीखने की परिभाषा वही है जो अधिगम की परिभाषा है, अधिगम को लर्निंग या सीखना कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो, सीखना क्या है भैया? आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये हो गई सीखना की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए, कोई बालक बहुत ही प्रतिभाशाली है, वो बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी? देखिए उसका शब्दकोश बड़ा होगा, मतलब बातें अच्छी करेगा, अच्छे से बात करेगा, उसका शब्दकोश विशाल होगा। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, वो काफ़ी मेंटली एक्टिव होगा, कोई चीज़ों को जल्दी समझ, ऐसे ही बालक को तो आप कहेंगे प्रतिभाशाली। दैनिक कार्यों में भिन्नता, उसके कार्य करने का अलग तरीका होगा। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, अच्छे सामान्य ज्ञान होंगे। अमूर्त विषयों में रुचि, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका अर्थ साफ तौर पर निकलता उसमें भी उसकी रुचि होगी। और पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि या अरुचि।
तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 24। तो 25 देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञानी का विषय क्षेत्र बताइए। बड़ा ही विस्तृत विषय क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ इस्तेमाल नहीं होता? पढ़ाने में, सीखने में, मूल्यांकन में, परीक्षण में, समावेश में, नामांकन में, हर एक जगह पे शिक्षा मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है। तो वही देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षण, शैक्षिक समस्याएं, शिक्षण विधियां, निर्देशन, परीक्षण, प्रमापन आदि सभी कुछ आ जाता है। वही तो कहा कि हर एक जगह आपको शैक्षिक मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना है। इसका विस्तार इतना अनिश्चित है कि आज तक इसकी सीमाएँ निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। किसकी? शैक्षिक मनोविज्ञानी की। तो चलिए लास्ट क्वेश्चंस एंड लेट फिनिश दिस वीडियोस। दैट इज व्हाट शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां, शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन कैसे, किन विधियों से पढ़ सकते हैं? अंतरदर्शन विधि, मतलब खुद के बारे में सोच के, ठीक है, अंतरदर्शन विधि, निरीक्षण विधि, निरीक्षण करके, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल, तुलनात्मक, विकासात्मक, जीवन वृत्ति अध्ययन, निर्णात्मक, सांख्यिकी और मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो ये शैक्षिक अध्ययन की विधियां हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 26 प्रश्न हो गए, हमने स्टार्ट किया था 17 से और हमने देख लिया 26 प्रश्न, और अगले वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट बताएंगे कि ये चीज़ें कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए मेरे वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आपका समय का सही इस्तेमाल होगा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको चीज़ें बताई जाएंगी। इसलिए आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा, और ऐसी सब्जेक्ट्स को आगे भी हम जारी रखेंगे। और प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ रेड आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए और बच्चों को जोड़िए ताकि हम एक साथ पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब पढ़िए और अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।